Hi guys, I hope you all are doing really really good. My name is Simran. Welcome or welcome back to my channel. आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में. अकासा एयर हायर करी है मेल और फीमेल्स दोनों को. स्पेशली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल्स के लिए क्योंकि इंडिया में सिर्फ अकासा एयर ही अभी मेल्स को हायर कर रही है. तो प्लीज जल्दी से अप्लाई कर देना और जो जो अप्लाई कर रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने अप्लाई कर दिया है. इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि अकासा एयर में कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी मिलेगी. तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो गाइस इस वीडियो में आपको ये तो पता लग जाएगा कि अकासा एयर में कैसे अप्लाई करना है, बट अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो क्या इंटरव्यू प्रोसेस होगा, कितने राउंड होंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो आने वाली है वेडनेसडे को 11 बजे. तो अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी है तो ऑन कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस अकासा एयर वॉकिंग इंटरव्यूज नहीं कंडक्ट करता है, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन. तो फर्स्ट वे इज दैट यू कैन सेंड देम ईमेल जिसमें आप अपना रिज्यूमे अटैच करते हो, एंड सेकेंड वे इज दैट यू हैव टू फिल देयर ऑनलाइन फॉर्म. तो फॉर्म कैसे फिल करना है और कौन सी ईमेल आईडी पे आपका रिज्यूमे भेजना है वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू राउंड में, तो आपका किया जाएगा मेडिकल और साइकोमेट्रिक टेस्ट. उसके अलावा होगी आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग. अब उन 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड किया जाएगा अकोमोडेशन. अकासा एयर का गेस्ट हाउस होता है जो आपको दिया जाएगा रहने के लिए, और उसके अलावा आपको दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. सो गाइस ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो फ्रेशर्स के लिए है 18,000 पर मंथ और एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए है 25,000 पर मंथ. अब आप बोलोगे ये सैलरी तो बहुत कम है, आप वैसे तो बोलते रहते हो कैबिन क्रू की सैलरी बहुत ज्यादा होती है. तो जब आप एक बार फ्लाइंग करना स्टार्ट करते हो तो जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो पूरा बहुत ज्यादा बदल जाता है. उससे रिलेटेड भी बहुत ही जल्दी आने वाली है वीडियो की अकासा एयर की एक्चुअल सैलरी कितनी है, आप कितना अर्न करोगे अगर आप अकासा एयर ज्वाइन कर लेते हो. आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड ट्रेवल बेनिफिट. आपको और आपके 6 फैमिली मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हो. बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे आप फ्लाइट टिकट्स ले सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो वर्ल्ड. अब हम बात कर लेते हैं छुट्टियों की. टोटल आपको मिलेंगी 18 पेड लीव्स, 6 कैजुअल लीव्स और 6 सिक लीव्स जो आप कभी भी ले सकते हो अपनी मर्जी से. तो टोटल आपको ईयर में 30 छुट्टियां मिलेंगी. उसके अलावा जो स्टैंड बाय और जो ऑफ्स होते हैं वो अलग, उसके अलावा आप 30 छुट्टियां ले सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द ईमेल आईडी एंड द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन. सो गाइस जो मेल आईडी है वो है कैबिन क्रू करियर्स एट द रेट अकासा एयर डॉट कॉम. इस पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है. विद इन 1 मंथ आपको रिवर्ट आ जाएगा. अकासा एयर में ज्यादातर जो कॉन्वर्सेशन होती है वो मेल के थ्रू ही होती है. एचआर जो है वो आपको मेल से ही कनेक्ट करेगा. तो अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपको मेल आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, और आपको उस पर फर्स्ट राउंड की लिंक आ जाएगी क्योंकि जो हमारा फर्स्ट राउंड होगा वो भी ऑनलाइन इंटरव्यू ही होगा. अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है. सबसे पहले हमने जाना है अकासा एयर की वेबसाइट पे. तो हम टाइप करेंगे अकासा करियर्स. जैसे ही आप अकासा करियर्स टाइप करोगे आपको दिखेगा करियर्स एट अकासा का एक ऑप्शन, उसको आपको सिलेक्ट करना आएगा जिसमें लिखा है हायरिंग नाउ. ठीक है, उसके बाद आप एकदम नीचे की साइड आ जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेंगे करंट अपॉर्चुनिटीज, जिसमें एक ऑप्शन आ रहा है कैबिन क्रू फ्रेशर्स. तो आपको क्लिक करना है कैबिन क्रू फ्रेशर्स पे अप्लाई. अप्लाई के बाद में आपको फिर से ऑरेंज कलर का एक बटन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई. मैंने ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है, इसमें आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा. तो आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको करना है डू यू रियली वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब. आप करोगे येस yes. फिर आएगा प्लीज कम्प्लीट योर प्रोफाइल बेसिक पर्सनल सेक्शन बाय क्लिकिंग द बिलो लिंक. तो हमें इसे क्लिक हियर करके क्लिक करना है. उसके बाद में हमने अपडेट करनी है हमारी प्रोफाइल फोटो, वो अपनी प्रोफेशनल फोटो अपडेट करनी है फॉर्मल्स में. उसके बाद हमें अपडेट करना है हमारा रिज्यूमे. अब हम करेंगे सिलेक्ट हमारा जो नाम है वो आ रहा है सिमरन भाटी. मिडिल नेम मेरा नहीं है, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो आप डाल सकते हो. यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है. सो यहाँ पे मैंने एक रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दी है. जेंडर में आप अगर मेल है तो आप मेल सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे. तो मैंने फीमेल सिलेक्ट कर दिया है. यहाँ पे आपने डालना है अपना पैन नंबर, जो कि मैंने अभी फिलहाल रैंडम सा कुछ भी डाल दिया है. ठीक है, आपको अपना वोटर आईडी डालना है, जो भी आपका वोटर आईडी नंबर है आप वो डालोगे. पासपोर्ट होना मैंडेटरी है. पासपोर्ट अभी तक नहीं है तो प्लीज जल्दी से जाके अप्लाई करो ताकि विद इन 1 मंथ आपका पासपोर्ट आ जाए. तो यहाँ पे हमने डालना है हमारा पासपोर्ट नंबर,
ठीक है, उसके बाद आधार नंबर डालना है आपको, जो भी आपका आधार नंबर है आप वो डाल दीजिए। नेशनलिटी, आप इंडियन हैं या नहीं है, तो इंडियन होना तो जरूरी है अकासा एयर में अप्लाई करने के लिए, तो हम यहाँ डाल रहे हैं इंडियन। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, सिंगल, विडो, डिवोर्स, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंगल। यहाँ पे हमने फिर उसे कर देना है अपडेट। ठीक है, अपडेट करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे एड्रेस पे। हमारा एड्रेस तो जो भी है आप डाल दो अपना करंट एड्रेस, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 102 पिंगाली स्क्वायर इंदौर। ठीक है, फिर सिटी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इंदौर, जो भी आपकी करंट लोकेशन है वो सिलेक्ट करोगे। स्टेट है मध्य प्रदेश, कंट्री है हमारी इंडिया। उसके बाद में आपका डालना है यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस या तो सेम हो सकता है तो डिफरेंट हो सकता है, तो अगर सेम है तो आप वो टिक कर दीजिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर पे टिक कर दोगे। यहाँ पे है अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस तो आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर दोगे। फिलहाल हम फ्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने फ्रेशर टिक कर दिया है। उसके बाद अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, आपका जो एजुकेशनल सेक्शन है वो अपडेट करोगे, तो एजुकेशनल सेक्शन में जैसे मैं अपडेट कर रही हूँ यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, डेट सिलेक्ट कर रही हूँ मैं 2022-11 और एंड डेट कर रही हूँ सितंबर की। ठीक है, इंस्टीट्यूट में कर रही हूँ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। यहाँ पे परसेंटेज आपके जितने परसेंटेज आए वो ऐड करना है, तो मेरे 70% और फिर हमें यहाँ पे कर देना है अपडेट। ठीक है, स्किल्स, अब स्किल्स आप क्या क्या अपडेटेड हैं आपके, जो जो स्किल्स हैं वो सारे लिख सकते हो कैबिन क्रू से रिलेटेड। लैंग्वेजेस, आपको जो जो लैंग्वेजेस आती है वो सब आप अपडेट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अटैच करना है एज अ फ्रेशर। आपको अटैच करना है 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपको ऐड करना है अपडेटेड रिज्यूमे, फिर आपको ऐड करना है यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ वैलिडेशन, तो इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो आपको अटैच नहीं करना है, वो सारे सिर्फ एक्सपीरियंस केबिन क्रू के लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी इंटरव्यू का प्रोसेस, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका वीडियो आने वाला है वेनसडे को 11 बजे, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।